दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिसमिल और एकड़ के विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक डिसमिल बराबर कितना होता है, एक एकड़ बराबर कितना होता है और विभिन्न इकाइयों में एक डिसमिल बराबर कितना वर्ग कड़ी होता है, कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग गज होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग हाथ होता है, कितना वर्ग बीता होता है आदि आदि। और इसी तरह से एक एकड़ बराबर कितना होता है बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे और कन्वर्सन करने के लिए भी सीखेंगे। आपको बताते चलेंगे कि अगर एक डिसमिल बराबर इतना वर्ग कड़ी हो रहा है या फिर इतना वर्ग फुट हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस पर डिपेंडेंट है कि नहीं, तो ये सब पर बातें करेंगे। इसके पहले आपको धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, चुरकी, फुरकी ये सब के विषय में बताया गया था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये था कि वो सब का जो मान है वो जगह जगह पर चेंज करता था, है कि नहीं। वो सब डिपेंड करता था लग्गी के ऊपर, किस पर, लग्गी के ऊपर। अब जब लग्गी ही चेंज हो जाए, मतलब बांस का जो टुकड़ा है वो चेंज हो जाए, तो फिर धूर, कट्ठा, बीघा का मान अपने आप चेंज हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या उसमें ये थी, वो देसी यूनिट है कि नहीं। अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो विभिन्न जिलों में कट्ठा का मान कुछ है कि नहीं, या फिर बीघा का मान कुछ है, झारखंड में कुछ है, यूपी में कुछ है, उड़ीसा में कुछ है, इसी तरह से होता है। उसमें बहुत बड़ी समस्या है और दो वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि धूर, कट्ठा, बीघा का जो समस्या है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, निदान हो गया होगा, है कि नहीं। तो आज की इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं डिसमिल और एकड़ के विषय में, और एकड़ के विषय में ये दोनों का जो मान है वो कभी चेंज नहीं करेगा, चाहे वह नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, है कि नहीं, चेंज करने वाला नहीं है। इसका मान एकदम स्थिर है, ऐसा नहीं गिरगिट के जैसा व्यवहार करेगा, धूर, कट्ठा, बीघा के जैसा, कभी रेड तो कभी येल्लो तो कभी ऑरेंज तो कभी क्या, बहुत परेशानी है। लेकिन धूर, कट्ठा, बीघा में पता नहीं पुराने ज़माने के लोग किस तरह से धूर, कट्ठा, बीघा ये सब का नाम दे के चले गए। अभी चलता है एकड़, डिसमिल, हेक्टेयर, एयर। अब आगे के वीडियो में जानेंगे हम लोग हेक्टेयर के विषय में, एयर के विषय में, बहुत मजा आएगा, है कि नहीं। ये सब है क्षेत्रफल की इकाई, ठीक है। क्षेत्रफल क्या है ये भी आज के इस वीडियो में बता देंगे। तो चलिए, आपको कुछ याद करने के लिए कहा गया था, जो धूर, कट्ठा का वीडियो था उसमें याद करने के लिए कहा गया था कि एक जरी बराबर क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं चेन सर्वे, तो चेन के विषय में जानना जरूरी है, चेन के विषय में जानना जरूरी है। चेन का मतलब जरीब, क्लियर। और ये किस्तवाड़ के अंतर्गत ही आ रहा है। देखिए, सिलेबस को हम 5 भागों में बांटे थे, उसमें पहला था किस्तवाड़, अभी किस्तवाड़ ही पढ़ रहे हैं और ना जाने कितना दिन तक चलेगा, कहना नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक है। चलिए, तो जानेंगे सबसे पहले एक जरीब बराबर कितना होता है। ये आपको याद करने के लिए हम कहे थे और याद होगा, मुझे उम्मीद है। एक जरीब बराबर होता है 100 कड़ी, कितना होता है 100 कड़ी, फीट में होता है 66, और गज में अगर हम बात करें तो होता है 22 गज, अगर मीटर में बात करें तो होता है 20 मीटर, अगर हाथ में बात करेंगे तो होता है 44 हाथ, अगर बीता में बात करें तो होता है 88 बीता, इंच में बात करें तो होता है 792 इंच। ये डेटा है, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि एक बेसिक डेटा है, इसी के आधार पर हम अन्य डेटा को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बहुत ही आसानी से। एक लाइन ये वाला याद रहेगा तब। चलिए, अब इस बोर्ड को हम पार्टीशन करते हैं, दो भाग में बांटते हैं ताकि सभी चीज़ें यहीं पर समझाई जा सके आसानी से, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर जो पार्टीशन कर रहे हैं, शायद ये पार्टीशन आपको दिखता ही ना हो, है कि नहीं, क्योंकि इतना लाइट जलता है कि लाइट से पता ही नहीं चलता है। चलिए, यहाँ पर दो लाइन खींचते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा दिखे आपको, क्योंकि हम देखे थे उस वीडियो में दिख ही नहीं रहा था। एक और खींच देते हैं ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए। चलिए, अब दिख रहा होगा, है कि नहीं। चलिए, अब सबसे पहले हम जानेंगे डिसमिल के विषय में कि एक डिसमिल बराबर कितना होता है। तो यहीं से आपको अब नोट करते हुए चलना पड़ेगा, ये तो आपको याद करना ही है जो ऊपर में लिखा गया है। एक चीज और याद करना है, क्या, कि एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी। ये वाला डेटा तो आपको याद करना ही होगा कि कितना, एक डिसमिल बराबर कितना होता है 1000 वर्ग कड़ी होता है। जब ये वाला चीज आपको याद रहेगा तो आप आसानी से वर्ग कड़ी को वर्ग फीट में, वर्ग गज में, वर्ग मीटर में, वर्ग हाथ में, वर्ग बीता में बदल सकते हैं इसके आधार पर, है कि नहीं। तो ये वाला याद करना पड़ेगा कि एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है, तो होता है, ये कभी चेंज
नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। एकड़ के विषय में इधर बताएंगे, ठीक है, बाद में बताएंगे, अभी डिसमिल के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं तो इसी के विषय में करते हैं। अगर हम इसी चीज को फीट में देखें तो होता है 435.6 वर्ग फीट। लेकिन आपके मन में तुरंत सवाल उठ गया होगा कि भाई 435.6 वर्ग फीट कहाँ से आया, कैसे इसको बदल दिए, हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या आप इसी तरह से लिखाते जाएंगे और हम इसी तरह से याद करते जाएंगे? नहीं नहीं, वैसे करना बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको बताएंगे, लेकिन सीखना आपका काम है कि नहीं। देखिए, अच्छा सबसे पहले आपको क्षेत्रफल के विषय में समझा देते हैं, कुछ लोगों को समझ में आता ही नहीं है क्या कि ये जो वर्ग कड़ी है भाई, ये वर्ग कड़ी आखिर है क्या, वर्ग फीट जो है वर्ग फीट है क्या, समझ में ही नहीं आता है। समझाते हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्षेत्रफल को ढंग से दिल से समझना जरूरी है, क्योंकि जो चीजें आपको दिल से समझ में आएगी उसमें काम करने में मजा भी आता है, ठीक है। देखिए यहां पर बात किया जा रहा है कि एक डिसमिल जो है वो 1000 वर्ग कड़ी के बराबर है, कितने के बराबर है, 1000 वर्ग कड़ी, वर्ग कड़ी। अब हमको टेंशन दे रहा है कौन, वर्ग कड़ी, या तो फिर इसी को हम लोग लिखते हैं कड़ी का स्क्वायर, आप कड़ी का स्क्वायर बोलिए या तो फिर वर्ग का कड़ी बोलिए, बात बराबर है, दोनों में फर्क नहीं है, क्लियर। तो ये वर्ग कड़ी है क्या, देखिए यहां पर 1000 होगा, 1000 वर्ग कड़ी जो है यहां पर, इसका मतलब हुआ क्या, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एक वर्ग कड़ी के विषय में, एक वर्ग कड़ी के विषय में, तब हम अपने आप समझ जाएंगे 1000 वर्ग कड़ी के विषय में। जैसे कि पैसा है, 1 रुपया को हम लोग जानते हैं भाई 1 रुपया में 2 चॉकलेट मिलता है, अच्छा 2 रुपया में 4 मिलेगा, 3 रुपया में 6 मिलेगा, इस तरह करके फिर आगे वाला चीज समझ जाते हैं। उसी तरह से हम पहले जानेंगे कि एक वर्ग कड़ी क्या है, एक वर्ग कड़ी क्या है, यही है सबसे बड़ा सवाल, और इसको जान गए तो फिर इसको भी आसानी से जान जाइएगा, है कि नहीं। देखिए एक वर्ग कड़ी, अच्छा वर्ग का नाम सुने, वर्ग स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो और सभी कोण 90 डिग्री का हो। जैसे कि यहां पर देखिए, ये है एक वर्ग, और वर्ग तब कहलाएगा जब इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और अंदर के जितने भी कोण होंगे सब कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तब ये कहलाएगा एक वर्ग, ठीक है। अब यहां पर बात किया गया है एक वर्ग कड़ी, अब एक वर्ग कड़ी का मतलब क्या हुआ, इसी वर्ग का अगर लंबाई रहे एक कड़ी इधर, 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 तो इसी हम क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, एक वर्ग कड़ी क्षेत्र कहेंगे, क्या कहेंगे, एक वर्ग कड़ी, क्या बोले हम, एक कड़ी के भुजा वाला एक वर्ग हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक वर्ग कड़ी का एरिया कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे, क्योंकि स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अगर यहां पर भुजा एक कड़ी है, अब इसका कर देंगे स्क्वायर तो एक कड़ी का स्क्वायर आएगा या फिर एक वर्ग कड़ी, यही वाला चीज आएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहां पर, अब इसको थोड़ा सा यहां पर मिटा देते हैं, थोड़ा सा उलझन जैसा लग रहा है कि नहीं। चलिए एक वर्ग कड़ी जो है इतना सा जमीन होता है, एक वर्ग कड़ी इतना सा जमीन होता है, एक कड़ी लंबा, एक कड़ी चौड़ा। अब दो वर्ग कड़ी कितना होगा, एक वर्ग कड़ी और जुड़ जाएगा, दो वर्ग कड़ी हो जाएगा, इसी तरह से 3 वर्ग कड़ी हो जाएगा, 4 वर्ग कड़ी हो जाएगा, 5 वर्ग कड़ी हो जाएगा, 6 वर्ग कड़ी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 करते करते हम 1000 इसी तरह का टुकड़ा अगर हम ले लें, जमीन का क्षेत्र ले लें, तो वो जमीन कहलाएगा एक डिसमिल। क्यों, क्योंकि एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी, यानी ये वाला जो वर्ग है वो 1000 रहेगा तब कहलाएगा एक डिसमिल, है कि नहीं। और कुछ लोग को तो कड़ी के विषय में पता ही नहीं होगा, देखिए कड़ी का जो लंबाई होता है, कड़ी का लंबाई 7.92 इंच होता है, यानी कि लगभग 8 इंच के, लगभग 8 इंच, ठीक है, उसे छोटा होता है, एग्जैक्टली आपको जानना है, ऐसा नहीं लगभग वाला बहुत बीमारी खराब है, एग्जैक्ट जानिए, एग्जैक्ट मापी कीजिए, ठीक है, गलत मापी कीजिएगा तो फिर जानबे करते होंगे कि क्या होता है कि नहीं। इसीलिए सतर्कता के साथ जितना ज्ञान हो सके उतना बटोर लेना है, और जहाँ पर नापी होता है सही ढंग से करना है। बहुत सारे ऐसे अमीन हैं जो ज्ञान अधूरा रखते हैं और ज़मीन का मापी कर रहे हैं, अजीब लगता है, सही बता रहे हैं, बहुत अमीन हम देखे हैं अपनी आँखों से, जिसको कैलकुलेशन करने के लिए भी नहीं आता है, मापी कहाँ से उठाना है, कहाँ गलती हो रहा है, उसको कैसे सुधारें ये भी पता नहीं है, तो वो कैसे अमीन बन सकता है भाई। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ें समझना पड़ेगा,
है कि नहीं, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अब ये एक वर्ग कड़ी का बात हुआ। अगर यही वर्ग फीट जो यहाँ पर लिखे 435.6 वर्ग फीट, तो यहाँ पर वर्ग फीट वही चीज़ है। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई ज़मीन है एक फीट लंबा एक फीट चौड़ा, ठीक है, तो ये वाला ज़मीन जो है वो कहलाएगा एक वर्ग फीट। तो इसी तरह से हम 435 वर्ग बनाएंगे एक फीट लंबा और एक फीट चौड़ा वाला वर्ग, तो फिर वो ज़मीन जो है कहलाएगा कितना, एक डिसमिल कहलाएगा। हालांकि 435 से ज़्यादा है, 435 और ये वाला जो है इसका आधा और आधा से भी हल्का से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 0.6 है, 0.5 रहता तो ये वाला केवल आधा ले लेते चलता। 435 टुकड़ा ऐसा ही 435 टुकड़ा और साथ में इसका आधा टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर 6 है, ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर। तो ये क्षेत्रफल के विषय में हम बात किए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल क्या था मेरे सामने, सवाल ये था कि चलिए हम याद कर लिए कि एक डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है, लेकिन वर्ग फिट में हम याद करेंगे, इसको याद जब कर लिए तो क्या इसको भी याद करना है? नहीं, याद नहीं करना है। अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो 2 मिनट में काम कीजिएगा वो आपका 2-4 सेकंड में हो जाएगा, है कि नहीं। याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो रहा है तो यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हम निकालें। देखिए आप जानते हैं, आप जान रहे हैं कि एक डिसमिल बराबर क्या हो रहा है, 1000 वर्ग कड़ी होता है। अब हम वर्ग कड़ी को किस में बदले हैं, वर्ग फिट में बदले हैं। अब जब वर्ग फिट में बदले हैं मतलब कि जहां पर कड़ी है वहां पर फिट आ गया, वर्ग का तो वर्ग है ही। चलिए अच्छा, फिट और कड़ी में देखिए, 100 कड़ी बराबर में कितना है, यहां पर 66 फिट है। 100 कड़ी बराबर कितना है, 66 फिट है। ये चीज है कि नहीं, आप देख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए इसीलिए यहां क्या हो जाएगा, एक कड़ी बराबर, एक कड़ी बराबर, एक एक नियम से ये 100 जो है डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 66 बटा क्या हो जाएगा, 100, इतना फिट आएगा। अब 66 को 100 से डिवाइड कीजिए तो देखिए नीचे में क्या है, 2 जीरो है, तो यहाँ 2 अंक के बाद में दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि 0. क्या हो जाएगा, 66, यानी 2 अंक के बाद में दशमलव बैठ गया। और दशमलव के पहले आप 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। इतना फिट हुआ, कितना फिट हुआ, 0.66 फिट हुआ, कितना के बराबर, एक कड़ी के बराबर। यानी एक कड़ी जो होता है, जरीब का कड़ी, उसका लंबाई कितना होता है, 0.66 फीट होता है। क्लियर। और अगर इसी चीज को हम इंच में बदलेंगे तो 7.92 इंच होता है, उसको हम बाद में बताएंगे आपको, इसको 12 से गुना कीजिएगा तो 7.92 इंच आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए इतना फिट हुआ, कितना के बराबर, एक कड़ी के बराबर। अब यहां हम जानते हैं चूंकि एक डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी, क्या होता है, 1000 वर्ग कड़ी। अच्छा बताइए, 1000 वर्ग कड़ी जो है इसको हम नहीं लिख सकते हैं 1000, क्या लिखेंगे, 1000 गुना में एक वर्ग कड़ी, या फिर एक कड़ी का स्क्वायर। YouTube में अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो ये मेथड आपको बताए हैं, बहुत ही ईजी मेथड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, वर्ग कड़ी है, वर्ग कड़ी को किस में बदलना है, वर्ग फीट में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1000 है, 1000 इधर लिख दिए, यहाँ गुना का साइड डाल दिए, ठीक है। और यहाँ जो वर्ग कड़ी था, वर्ग कड़ी मतलब कड़ी का स्क्वायर था यहाँ पर, तो वही जगह पर क्या लिख दिए, एक कड़ी का स्क्वायर लिख दिए, बात बराबर है, क्योंकि 2 जो है एक का स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा, ठीक है। कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग कड़ी होगा, और इसी चीज़ को गुना से करेंगे तो इतना ही, मतलब ऊपर वाला चीज ही नीचे लिखा गया है कुल मिलाकर। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा गुना, अच्छा एक कड़ी है यहां पर, कितना है, एक कड़ी है। एक कड़ी के बराबर हम जानते हैं कि 0.66 फीट होता है, तो यहां पर हम 0.66 फीट रख सकते हैं, और यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। नहीं समझ में आया, अरे भाई जहां पर एक कड़ी था वहां पर हम 0.66 फिट रख दिए, यहां पर कौन सीखने वाली चीज है, क्योंकि हम जानते हैं यहां से, इससे हम निकाले थे कि एक कड़ी बराबर इतना फिट होता है, तो हित हम यहां पर रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1000 है तो 1000 लिखेंगे गुना 0.66 फिट है, ठीक है। अब इसका है स्क्वायर,
तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और फीट का भी स्क्वायर करेंगे। चलिए 0.66 का पहले स्क्वायर करते हैं, मतलब कि यहाँ पर 0.66 है और 0.66 है। सबसे पहले इसको गुना कीजिए, 6 × 36 के 6 हाथ में बच गया 3, 36 और 3 39, फिर यहाँ पर भी आएगा 396 जोड़िए 6, 9 6 हो जाएगा 15, 9 6 15 और 9 3 12 13 हाथ में 1 435। और यहाँ पर देखिए 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, मतलब कि 0 क्या हो जाएगा 4356 इतना आया। अब इसी चीज़ को आप 1000 से गुना कीजिए, तो ये जो दशमलव है यहाँ से उठ करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 435 दशमलव क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर फीट का स्क्वायर था, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्ग फीट हो जाएगा, या फिर आप फीट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए एक डिसमिल का मान आ गया 435.6 वर्ग फीट। बदल दिए, अगर आपको याद नहीं रहेगा, ये वाला याद है और ये वाला याद है, तो ये दोनों डेटा के आधार पर आप वर्ग फीट में भी डिसमिल को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको तो सारा प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा, है कि नहीं। चलिए और भी चीज़ें हैं उसको भी मैं बताऊंगा, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चलिए धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और आप क्या समझना चाह रहे थे, ये भी बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर हम गज में एक डिसमिल बराबर अगर हम गज में देखें तो होता है 48.4 वर्ग गज होता है, इतना होता है, ठीक है। अब ये कैसे आया, इसको भी निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर वर्ग फीट में बदला हुआ है, अब वर्ग गज में बदलना है भाई। हम लोग जानते हैं कि 66 फीट क्या चीज, 66 फीट बराबर में कितना होता है 22 गज होता है, कितना होता है 22 गज होता है। अब यहीं से आप निकाल सकते हैं कि एक फीट में कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसीलिए एक फीट बराबर हो जाएगा 22/66 गज। अब इसको काटिए, 22 कम 22 22 36 मतलब कि 1/3 गज आया ना, 1/3 गज आया। चलिए अब इसी चीज़ को जो यहाँ पर वर्ग फीट था, यानी कि 435.6 वर्ग फीट था एक डिसमिल के बराबर, ठीक है। अब वर्ग फीट अगर है तो हम फीट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फीट का स्क्वायर, या तो फिर एक फीट का स्क्वायर लिख दीजिए जो हम पहले किए थे, बस वही प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसे कि एक डिसमिल बराबर इतना वर्ग फीट है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा आगे 435.6। अब एक फीट की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 1/3 गज लिख सकते हैं, मतलब हो जाएगा 1/3 गज हो जाएगा, और इसका कर देंगे क्या चीज, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर कीजिए तो हो जाएगा 435.6, अब स्क्वायर कीजिए, ये 2 स्क्वायर 1 का भी है तो हो जाएगा 1, और 2 स्क्वायर इसका भी है 3 का 3 हो जाएगा 9, और यहाँ गज का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वर्ग गज हो जाएगा, क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, 435 यहाँ पर जो है 435 इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 435 है तो कितना हो जाएगा 435.6 है ना, तो यहाँ पर अगर दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा नीचे 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर कट भी सकता है, नहीं ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 9 था तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 10 दशमलव के बाद में दहिना सेट 1 अंक है, इसीलिए 1 ही 0 नीचे आएगा, क्लियर। अब इसको 2 से काट सकते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 45, और इसको काटेंगे तो 2 × 2 = 4, फिर यहाँ 2 × 1 = 2, फिर यहाँ 2 × 7 = 14, फिर यहाँ 1 = 16, तो 2 × 8 = 16 ये आया, और कटेगा 8 × 7 = 15, हाँ 3 से भी कटेगा, 3 × 7 = 21, फिर यहाँ 3 × 2 = 6, यहाँ 7 था 1 = 1 = 8 हो गया 18, फिर 3 × 6 = 18, इसको भी 3 से काटिए, 3 × 3 = 3, यहाँ 1 = 1 × 5 = 15 हो गया, 3 × 5 = 15, नीचे 15 है और ऊपर में 726 है, हो जाएगा 6 × 2 = 8, 8 × 7 = 15, फिर 3 से कटेगा, 3 × 2 = 6, फिर 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, फिर यहाँ पर 3 × 5 = 15, ऊपर में क्या चाहिए 242, नीचे क्या चाहिए 5, तो 242 को क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 × 8 = 8 क्या हो जाएगा, ना 5 × 8 = 8 बोलते हैं, 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, फिर यहाँ पर 2 उतार दिए, ठीक है, फिर 5 × 8 = 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 उतर गया, क्लियर, यहाँ फिर दशमलव बैठाएं तो यहाँ 0 हो गया, फिर 5 × 20 तो कितना है 48.4, तो वही 48.4 हो जाएगा वर्ग गज, है कि नहीं, तो वही हम यहाँ पर 48.4 वर्ग गज लिखे हैं। तो ये चीज़ कैसे संभव हुआ, जब आपको ये वाला चीज़ याद रहा, ये वाला चीज़ अगर याद रहा तो आप एक फीट में कितना गज होता है वो आसानी से निकाल दिए थे कि भाई 1/3 गज होता है या फिर 0.33 गज होता है। जब ये वाला चीज़ आपको पता हो गया तो वर्ग फीट से आप वर्ग गज में भी आसानी से बदल सकते हैं, क्लियर। और अगर हम वही मीटर में बात करें तो होता है 40 वर्ग मीटर, क्या होता है 40
वर्ग मीटर। आप चाहेंगे जैसे कि हम यहां पर पहले बदले थे, क्या बदले थे, फीट से गज में बदले थे, फीट से गज में। आप चाहेंगे तो कड़ी से ही सब कुछ काम कर सकते हैं, सब काम कड़ी से। अगर यहां पर 100 कड़ी बराबर में कितना मीटर है, 20 मीटर है, 100 कड़ी बराबर कितना है, 20 मीटर है। तो एक कड़ी बराबर कितना होगा, एक कड़ी बराबर कितना होगा बताइए, हो जाएगा यहाँ पर 20 बट्टा में 100। अब काटिए, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 5 10 बराबर में इतना मीटर आया, कितना आया बराबर में 1/5 मीटर। इतना ही ना आया, 1/5 मीटर को आप अगर चाहें तो बदल सकते हैं, तो हो जाएगा 0.2 मीटर। कितने के बराबर, 100 कड़ी के बराबर, मतलब कि एक कड़ी के बराबर कितना होता है, 0.2 मीटर। अगर 0.2 मीटर होता है तो फिर आसानी से हम बदल सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर 1000 वर्ग कड़ी है, क्या है, 1000 वर्ग कड़ी है। अब क्या करेंगे, ये जो वर्ग कड़ी है इसको हम किस तरह से लिख देंगे, 1000 गुना में क्या कर देंगे, वर्ग कड़ी है तो यहाँ पर एक कड़ी लिखेंगे और इसी का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 गुना में एक कड़ी बराबर कितना आया, 0.2 मीटर आया है। तो यहाँ पर 0.2 क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, हाँ बिल्कुल लगाएंगे, इसको आगे ले जाइए। यहाँ पर 1000 है तो 1000 लिखेंगे, फिर यहाँ पर गुना है तो गुना लिखें। अब इसको स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो 0.2 का भी स्क्वायर है और मीटर का भी स्क्वायर है, तो 0.2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, यानी कि 2 अंक के बाद में दशमलव लगेगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं 0.2 फिर 0.2। अब इसको गुना कीजिए, मतलब कि स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब कि इसी से गुना करेंगे दो बार, तो 2 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, फिर 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना पड़ेगा। तो इसके पहले क्या कीजिए, 1 0 एक्स्ट्रा बैठा दीजिए और 2 अंक के बाद में दशमलव बैठा दीजिए, तो 0. कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। अब देखिए 1000 से अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा। अब ये चीज़ किस में आपको मिलेगा, मीटर स्क्वायर यहाँ पर था तो वर्ग मीटर में मिलेगा। क्लियर, तो ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। तो देखिए इसी तरह से आपको कन्वर्सन करना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, इतना में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए ये सब को हम मिटा देते हैं, ये सब का अब कोई काम बच नहीं गया है, केवल आपको समझना था। ठीक है, चलिए अब अगर हम वर्ग हाथ में देखें, किसमें, वर्ग हाथ में, तो होता है 193.6 वर्ग हाथ। क्लियर, तो एक डिसमिल बराबर इतना आप इकाई में जान ले काफ़ी है। अगर आप वर्ग बीता में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, वर्ग हाथ में आपको पता है और आप जानते हैं कि एक हाथ में होता है 2 बीता, तो यहाँ से 1 हाथ का कर दीजिए स्क्वायर, फिर 1 हाथ की जगह पर रखिए 2 बीता। क्लियर, फिर 2 दुना हो जाएगा 4, फिर इसको गुना कीजिए, फिर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए 1 डिसमिल का मान आपको पता चल गया कितना होता है, 1000 वर्ग कड़ी होता है, इतना स्क्वायर फीट होता है, इतना वर्ग गज होता है, इतना वर्ग मीटर होता है, इतना वर्ग हाथ होता है। अब आता है बात एकड़ का, किसका आता है, एकड़ का। देखिए सबसे पहला चीज आपको याद करना पड़ेगा कि एक एकड़ जो है वो 100 डिसमिल होता है। ये आपको नोट कर लेना है हमेशा के लिए कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है, 100 डिसमिल होता है। बस ये वाला याद है तो बाकी बात सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 एकड़ में कितना वर्ग कड़ी होगा, कितना वर्ग हाथ होगा, कितना वर्ग फिट होगा, आदि आदि सब इजी हो जाएगा। क्यों, देखिए सबसे पहले आपको क्या बताएं, ये वाला याद करना है। दूसरा चीज ये वाला कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है, देखिए ये सब याद करना ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी लिखा हुआ है, याद करना होगा, नहीं याद कीजिएगा तो फिर काम चलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि बिना याद किए हुए ये वाला मान पता चल जाए, ऐसा कोई फार्मूला वगैरह कुछ नहीं है। मान लिया गया कि भाई इतना ज़मीन अगर 1000 वर्ग कड़ी रहेगा तो उसको हम 1 डिसमिल बोलेंगे, अगर 100 डिसमिल के बराबर रहेगा तो उसको हम 1 एकड़ बोलेंगे, बस मान लिया गया है, इसमें कोई सुनवाई की बात नहीं है। क्लियर, तो देखिए यहां पर अब कैसे इसको हम वर्ग कड़ी में बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए ये बहुत ही इजी चीज है, क्या करेंगे, 1 एकड़ बराबर में जो 100 डिसमिल है यहां पर लिख सकते हैं, 1 एकड़ बराबर में 100 डिसमिल को हम लिख देते हैं 100 गुना में 1 डिसमिल। नहीं लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर मैथमेटिकली वो सत्य हो, सही हो, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम 100 को गुना 1 डिसमिल से करेंगे तो 100 डिसमिल होगा, मतलब वही वाला चीज़ इस तरह से हम लिख दिए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर है 100 तो 100 लिखें, गुना 1 डिसमिल के जगह पर हम 1000 वर्ग कड़ी रख सकते हैं।
क्यों? क्योंकि एक डिसमिल के बराबर में 1000 वर्गड़ी होता है, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, 1000 वर्ग कड़ी रख देंगे। अब वर्ग कड़ी रख दिए इतना, तो क्या चेंजिंग हुआ, एकड़ का मान वर्ग कड़ी में हमें मिल जाएगा। चलिए गुना कीजिए, 1000 को गुना 100 से करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1 लाख। 1 लाख वर्ग कड़ी होता है कितना के बराबर, 1 एकड़ के बराबर। समझ में आ रही बात, ठीक है, कितना होता है, 1 लाख वर्ग कड़ी होता है। तो डायरेक्ट हम यहीं पर लिख देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर, 1 लाख, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग कड़ी। अब इसी तरह से ये हुआ पहला नंबर। अब दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, 1 एकड़ बराबर, 1 एकड़ बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 100 गुना में 1 डिसमिल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पर 100 है तो 100 लिखेंगे, गुना में 1 डिसमिल। अब 1 डिसमिल की जगह पर हम कितना रख सकते हैं, 435.6 वर्ग फीट, ताकि 1 एकड़ का मान वर्ग फीट, 1 एकड़ का मान वर्ग फीट में चेंज हो जाए। तो कितना है, 435.6 है। अब डिसमिल जो है वो किस में चेंज हो गया, वर्ग फीट में चेंज हो गया। अब चलिए गुना कीजिए 100 से इसको, तो कितना हो जाएगा, 435.6 उसके बाद में 10 इतना वर्ग फीट आएगा। नहीं, ये जो दशमलव है वो मतलब कि 2 अंक बढ़ जाएगा, नहीं समझे, जैसे कि यहाँ पर कितना है, 435.6 कितना है, 6 है। अब यहाँ 100 से अगर हम गुना करते हैं तो ये जो दशमलव है वो 2 अंक इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम 0 अपने से बैठा सकते हैं, दशमलव के बाद में अगर आप 0 बैठाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। लेकिन इस संख्या के लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए, तब क्या होगा, ये दशमलव यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर कितना बच गया, 43,560, वही तो लिखे हैं, 43,560 इतना वर्ग फीट, 43,560 वर्ग फीट। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, 43,560 वर्ग फीट। देखिए वर्ग फीट में चेंज हुआ, हो गया। तीसरा नंबर में आइए, 1 एकड़ बराबर, 1 एकड़ बराबर 43,560 वर्ग फीट है ना। अब वर्ग मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं, 100 गुना में 1 डिसमिल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्यों नहीं लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर 100 का 100 रह जाएगा, गुना 1 डिसमिल, 1 डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, वर्ग मीटर में बदल देते हैं, ठीक है। वर्ग मीटर कितना होता है, 40 होता है, तो 40 लिखेंगे। अब यहाँ 100 को गुना 40 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 4000, मतलब कि 4000 क्या होगा, वर्ग मीटर होगा, 4000 वर्ग मीटर होगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1 एकड़ जो है वो 4000 वर्ग मीटर के बराबर होगा। चौथा नंबर में अगर हम बात करें, 1 एकड़ के बराबर तो यह वर्ग मीटर में आ गया, फिर 1 एकड़ बराबर अगर हम गज में भी निकाल के देखें तो गज में भी निकल जाएगा। हम बताइए 1 एकड़ बराबर लिख सकते हैं, 100 गुना में 1 डिसमिल, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये सब बार बार करना पड़ता है, जब तक आप बार बार कीजिएगा नहीं तब तक वो हमेशा के लिए याद भी नहीं रहेगा, है कि नहीं। आपको लग रहा होगा एक ही चीज़ पर क्या बार बार बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर आंकड़ा तो हमको बताना पड़ेगा इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 100 है तो 100 लिखेंगे। अब 1 डिसमिल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 48.4 वर्ग गज, तो यहाँ पर लिख देंगे 48.4 वर्ग गज, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के 100 से गुना कर देना है इसको, तो देखिए 48.4 है, अब दशमलव यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4840 वर्ग गज हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तब, ठीक है। चलिए अब आते हैं पाँचवा नंबर में, अगर हमको वर्ग हाथ में बदलना है तो जो यहाँ 193.6 है अगर हम 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव 2 अंक के बाद बैठेगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 एकड़ बराबर हो जाएगा, 1 एकड़ बराबर क्या हो जाएगा, 19360, यानी कि 19360 वर्ग हाथ, क्या आएगा, ये वर्ग हाथ में आएगा। तो इस तरह करके आप डेटा को तो लिख दिए, अब ये सब तो आपको पता ही हो गया कि किस तरह से निकलेगा। आपको कुल मिलाकर के ये वाला याद रखना है, ये वाला बाकी बात किस तरह से ड्राइव किया गया है ये आपको पता चल गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्लियर। देखिए यहाँ पर अभी हम डिसमिल और एकड़ के विषय में जान गए कि 1 एकड़ में कितना कितना क्या होता है और 1 डिसमिल में कितना कितना क्या होता है,
है कि नहीं। अब इसके बाद में आपको डिसमिल से कट्ठा, कट्ठा से डिसमिल, एकड़ से धूर, धूर से एकड़, डिसमिल धूर, एकड़ डिसमिल धूर, इस तरह करके बहुत सारे हमको कन्वर्सन करना है। तो बहुत सारे हमें कन्वर्सन करना है, कट्ठा से करेंगे धूर में, धूर से करेंगे फिर एकड़ में, एकड़ से करेंगे डिसमिल में, डिसमिल से करेंगे एकड़ में, एकड़ से करेंगे बीघा में। कन्वर्सन बाद में सीखेंगे, अभी धीरे धीरे आप सीखिए कि भाई एक डिसमिल जमीन कितना होता है, एक एकड़ जमीन कितना होता है, ये सब आपको डेटा याद रखना होगा। अगर ये सब याद नहीं रखते हैं तो आपको निकालने का प्रोसेस पता होना चाहिए, ताकि जब जरूरत पड़े तो वहां पर आसानी से निकाला जा सके। क्लियर? तो चलिए इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान के चलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 10 डिसमिल में कितना वर्ग फीट होगा, अगर ये पूछा जाए तो ये सिंपल सी बात है। अरे भाई 10 डिसमिल पूछा जा रहा है, हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि एक डिसमिल बराबर क्या होता है, एक डिसमिल बराबर कितना वर्ग फीट होता है, 435.6 वर्ग फीट होता है, यही ना होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 10 डिसमिल बराबर 10 × 435.6 वर्ग फीट, एक एक नियम से है कि नहीं, 10 से गुना कर देंगे। अब जब गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 43.56 यहाँ आ जाएगा, तो 4356 वर्ग फीट होगा। 10 डिसमिल का मान निकल गया। तो ये पहला क्वेश्चन था, चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 था, ये क्या है, 2 है। चलिए अगर पूछा जाए एकड़ जमीन को वर्ग कड़ी में बतावें, तो ये भी सिंपल है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई एक एकड़ में कितना होता है, तो लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, एक एकड़ बराबर में कितना होता है, यहाँ पर तो आपको लिखा चुके हैं कि एक एकड़ में कितना होता है, 1,00,000 वर्ग कड़ी, तो इसीलिए यहाँ लिख देंगे 1 एकड़ बराबर 1,00,000, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ग कड़ी लिख दिए। अब लिखने के बाद में क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए 3.5 एकड़ बराबर, इसको गुना करना पड़ेगा, 3.5 इंटू में क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इतना वर्ग कड़ी होगा। अब गुना कीजिए, यहाँ पर 3, अब यहाँ दशमलव में 5 है ना, तो यहाँ पर ये कितना जीरो है, 2, 3, 5, 0, तो यहाँ पर 5 अंक घसक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5, 1, 2, 3, 4 इतना वर्ग कड़ी क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 सवालों को आप हल कर दिए। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन रख सकता है, जैसे कि मान के चलिए बोला जाएगा कि क्वेश्चन में रहेगा कि 10 एकड़ जमीन को डिसमिल में बतावें, किस में बताना है, डिसमिल में बतावें, बताइए किस तरह से बताइएगा। हम जानते हैं सबसे पहले लिखेंगे चूंकि एक एकड़ बराबर कितना होता है 100 डिसमिल। अब जब एक एकड़ बराबर 100 डिसमिल होता है, तो इसीलिए लिखेंगे 10 एकड़ बराबर 10 गुना हो जाएगा 100, इतना क्या आएगा, डिसमिल आएगा। समझ में आ रही है बात। अब 100 को गुना 10 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1,000 डिसमिल, है कि नहीं। मतलब कि 10 एकड़ में होता है 1,000 डिसमिल। या फिर इसी तरह से क्वेश्चन रह सकता है, दूसरे तरह से क्वेश्चन नंबर 205 डिसमिल जमीन को एकड़ में बतावें, किसमें, एकड़ में बतावें। सब देखिए बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको चुटकियों में बना लीजिएगा। क्लियर? देखिए हम जानते हैं कि 100 डिसमिल में कितना होता है, एक
एकड़ होता है, 100 डिसमिल में कितना होता है, एक एकड़ होता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर 100 डिसमिल, तो इसीलिए क्या हो जाएगा एक, या तो फिर इसीलिए यहाँ पर लिखिए एक डिसमिल बराबर में हो जाएगा एक बटा 100 एकड़, क्या हो जाएगा एक बटा 100 एकड़। अब यहाँ पर देखिए 250 डिसमिल का बात किया जा रहा है ना, 205, तो यहाँ पर लिखेंगे 205 डिसमिल बराबर हो जाएगा ऊपर में 205 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 100, इतना क्या हो जाएगा एकड़ हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, अगर यहाँ पर नीचे में दो जीरो है तो दो अंक के बाद में दशमलव बैठ जाएगा, तो जाएगा 2.05 एकड़, यानी कि 205 डिसमिल जो ज़मीन है वो 2.05 एकड़ होगा, है कि नहीं। 100 से डिवाइड कर देना है और इसमें क्या करना है 100 से गुना कर देना है जितना भी एकड़ दिया रहेगा, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए, बहुत ईजी जी क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसलिए क्योंकि इस वीडियो में हम ज़्यादा कुछ जाने नहीं, बस यही जाने कि डिसमिल और एकड़ क्या होता है, कितना बराबर क्या होता है कि नहीं, और थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें इसके नेक्स्ट का चीज़ बताया जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में।